कहते हैं आरोपी कितना ही शातिर और चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन पुलिस के हाथ आरोपी के गिरेबान तक पहुंच ही जाती है। ऐसा ही मामला बालोद जिला से सामने आया है, जहां कंबल बेचने के बहाने रैकी कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल जिले के अर्जुंदा थाना व नगर स्थित बाफना ज्वेलर्स में 24 जून की रात शटर का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपियों ने दुकान में रखे लगभग 95 लाख की सोने चांदी के जेवरात व नगद सहित आरोपियों ने अपने सुराग मिटाने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की DVR की चोरी कर फरार हो गए। सुबह दुकान मालिक को इस बात की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल एक्शन मोड में आ गए। अलग अलग टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी और इसके लिए राजनांदगांव और दुर्ग टीम की भी मदद ली गई। आखिरकार 6 दिनों के सघन जांच पड़ताल के बाद पुलिस को 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई। 24 और 25 तारीख के दरमियानी रात को अर्जुंदा के वापना ज्वेलर्स में एक बड़ी चोरी हुई थी, जिस पर से सुबह हमें जानकारी मिली। उसके बाद तत्काल आईजी साहब के निर्देशन में हमने टीम गठित किया और अलग अलग दिशाओं में इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, जिस पर से हमने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 1.3 किलोग्राम सोना, 31 किलोग्राम चांदी और 60,000 के करीब नगद, इसके अलावा एक टवेरा गाड़ी और 3 बाइक हमने जब्ती किया है। इसमें जो मुख्य 4 आरोपी थे, उसके अलावा उसके सहयोगी रेकी पार्टी, सभी को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं चरण सिंह, संग्राम, लखन सिंह और महेश वाल्मीकि, ये जो उन्होंने चोरी को अंजाम दिया था उसके सपोर्ट में बाकी लोग थे। इसमें से 2 जो मुख्य आरोपी हैं संग्राम सिंह और चरण सिंह, ये आदतन चोर हैं, इन्होंने कई राज्यों में कई चोरियां की हैं और इनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं जिनकी तहकीकात चल रही है। ये लोकल सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लखन सिंह और महेश का इस्तेमाल किया और अलग अलग दुकानों में ज्वेलरीज में ये चोरी को अंजाम देते हैं। तो हमने पूरे गिरोह को का पर्दाफाश किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड में हम लोग भेज रहे हैं। पकड़े गए 12 आरोपियों में 7 मध्य प्रदेश व 5 छत्तीसगढ़ के हैं, जिनमें से 2 प्रमुख सरगना चरण सिंह व संगम सिंह पर कई राज्यों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिनका सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। आरोपियों की तलाश में पुलिस बालोद से लेकर राजनांदगांव, गोंदिया, नागपुर, सावरेन, महाराष्ट्र सहित कई शहरों में हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब जाकर पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई। आरोपियों ने चोरी के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर चोरी की तवेरा कार से फरार हुआ था। वहीं चोरी के अंजाम देने के बाद सबको हिस्सा बांट दिया गया था। यही नहीं, आरोपियों ने गड्ढा खोदकर चोरी का सामान छुपाया था, जिसके लिए मेटल डिटेक्टिव का इस्तेमाल किया गया। इसमें अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में पतासाजी के लिए भेजे थे, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब टीम भेजी गई थी। अंत में आरोपियों को पांडुर्ना मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है और 2 आरोपियों को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो ज्वेलरी जो हमें बरामद हुए हैं, वो इनके पतासाजी करके जो मुख्य आरोपी हैं पांडुर्ना से हमें मिले हैं, राजनांदगांव से हमें मिले हैं, जिनको हमने जब्ती किया। आरोपियों के कब्जे से करीबन 1 किलो 300 ग्राम सोने व 31 किलोग्राम चांदी के कीमती जेवरात, जो कि 85 लाख का है, व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल चोरी के तवेराकार मोटरसाइकिल लोहे के रॉड बरामद किए गए हैं। अब भी बालोद पुलिस की 2 टीमों द्वारा मध्य प्रदेश में सोने चांदी के जेवरात की रिकवरी में लगी हुई है। जो अभी जो हमने अनुमानित लागत उसकी 85 लाख हैं, जिसको हमने जब्ती किए हैं, जिसमें से सोना 1.3 किलोग्राम है और 31 किलो चांदी है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।